ज्यादा पुरा देश प्रभू श्री रामाच्या प्राण प्रतिष्ठेकडे वाट पळत आहे। अयोध्येकडे सगळ्यांची नजर असा अशाच वेळात आम्ही भेटता छत्तीसगडच्या चंद्रपुरी या गावात। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आणि ह्या गावात जे फाटल्यान माझ्या फाटल्यान जे तुम्ही देऊळ पळता ते देऊळ खरंच सुंदर असे रूप घेता। आणि हे देऊळ जे आसा ते माता कौशल्याचे। ऑब्वियसली हाका काय वेगळी गजाल सांगपाची गरज ना की कितके कनेक्शन हे प्रभू रामाकडे आसा आणि तसेच अयोध्येकडे आसा। असे म्हणतात की हे जगातले एकमेव माता कौशल्याचे देऊळ आणि हे देऊळ चंद्रखुरी या गावात छत्तीसगडच्या स्टेटात हांगासर प्रख्यापित आसा। जसे तुम्ही पळयतात की फाटल्यान काम जोराचे चालू आसा। जसे 22 तारखेकडे आम्ही आवर्जून वाट पळतात तसे हांगासरूय जेदा एक लास्ट फिनिशिंग टचेसचे काम चालू आसा। तेन्ना हे सुद्धा टुरिजमाच्या क्षेत्रांतल्यान पुढे आणीक सरतले। लोक फक्त अयोध्येकूच भेट दिवचे ना तर हांगासर चंद्रखुरी ह्या गांवांतूय भेट दितले। भेट दिवपाक फक्त प्रभू रामाची न्ही तर माता कौशल्या तेज्या आवयची आणि तसेच हे देऊळ जे आसा त्या देवळाक भेट दिवपाचो पुरेपूर प्रयत्न करतले। राजा राम 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 जय सीता राम अयोध्यापति राम राम जानकी वर राम राम कौशल्यात्मज राम राम रघुकुल सुत श्री राम राम रघुकुल सुत श्री राम राम रघुकुल सुत श्री राम राम। मायर में देखें तो दंडकारण्य एक कांड आता है। दंडकारण्य जो है तो दंडकारण्य सर छत्तीसगढ़ को ही कहा जाता है जंगलों में। तो यह सिरपुर जो है उस समय छत्तीसगढ़ कहा जाता है, चैदिसपुर के नाम से जाना जाता था। तो यह दक्षिण कौशल की जो राजधानी है, अपना जो चंद्रखुरी फार्म जो है सर यहाँ पर रायपुर से पास में है। तो यह जो है कौशल्या माता का मायके कहा जाता है। राम का माता का गांव, माता का मायके है राम का। तो यह सर राम का जो है नौनिहाल ग्राम है। तो जब राम जी का जब वनवास हुआ तो सबसे ज़्यादा एक तरह से कहा जाए दंडकारण्य में उन्होंने अपना समय बिताया। तो ये सिरपुर से लगा हुआ है शिवरी नारायण जो सबरी धाम, जहाँ पर झूठे बैर खाए होते हैं। तो ये सबरी धाम है सर 86 किलोमीटर पर। तो यह सिरपुर जो है सर राम का जो है नौनिहाल ग्राम है। तो आपको कन्फर्म होगा कि राम और मामा और भांचे का जो संबंध जो बनता है वो अत्यधिक सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में ही मान्यता है। आज की स्थिति में कहा जाए अगर इंसान कितना ही छोटा क्यों नहीं, बड़ा ही क्यों नहीं हो, लेकिन अब उसका अगर भांजा छोटा है तो उसका पाँव छोटा है। तो यह रीति रिवाज छत्तीसगढ़ से प्रारंभ हुआ जो निरंतर प्रवाहित है। तो आप रायपुर के पास चंद्रखुरी फार्म है, वहाँ पर आप जाके उसको देख सकते हैं कि कौशल्या माता का मायके है। ये उस आधार पर जुड़ा हुआ है और बहुत सारे जो स्मारक जो मिलता है सर उसी टाइम से बोलते हैं राम लक्ष्मण का आगमन भी हुआ है, जो उस नाम से भी मंदिरें प्राप्त होता है यहाँ पर। राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम अयोध्यापति राम राम जानकी वर राम राम कौशल्यात्मज राम राम रघुकुल सुत श्री राम राम रघुकुल सुत श्री राम राम रघुकुल सुत श्री राम राम। ये कौशल्या माता का जन्म स्थान कौशल्या माता रामचंद्र को ने पाए हुए हैं, बारह हुए प्रगट हुए हैं माता जी। और जिनका उद्धार हो रहा है अभी 22 तारीख के दीप जले गई जावन हजार और प्रोग्राम सुंदरकांड जैसे भी है, रामायण वायण सब रहेगा, भंडारा भी रहेगा। इसमें क्या माता इधर रहती है? अभी छत्तीसगढ़ के भानुमत राजा पुत्री कौशल्या माता का जन्म स्थान, कौशल्या माता का जन्म स्थान ये अब छत्तीसगढ़ की बेटी है। इससे छत्तीसगढ़ में भाग्य का भाव पड़ता है रामचंद्र का निहार प्रभु रामचंद्र। अभी 22 तारीख को क्या प्लान है आपका? 22 तारीख का यहाँ है दीप जलेगा, 21,000 का दीप है और सुंदरकांड है, रामायण है, भंडारा का वगैरह रखा है, लाइट सब है सब। ओके, और आपको इस मंदिर का फेमस होने के नाते अभी 22 तारीख को जब रामलला का मंदिर अभी बनेगा तो आपको कैसे लग रहा है? मेरे को अच्छा लग रहा है। मैं तो शुरू से बचपन से इसका तौर तौर पर यहाँ से पहले आना जाना नहीं था, तब से मैं तौर पर यहाँ पूजा पाठ कर रहा हूँ बचपन से। जब से मैं 8 साल से हूँ तब से यहाँ का सेवा कर रहा हूँ मैं। मेरे को तो वो अच्छा लग रहा है, मेरे खुशी भी लग रहा है। मंदिर भी बना है और रामचंद्र जी का जब वहाँ निहाल में भी पूजा पाठ हो रहा है तो मेरे को अच्छा लग रहा है। पहले मंदिर ऐसा छोटा सा था, मंदिर तो जैसे वैसे मंदिर था, यह पूरा टिको टापू ना पूरा जंगल था, यहाँ कोई आना जाना नहीं था। इनका नाम से बाहर स्थापना बना के पूजा पाठ करते थे। जो नवरात्रि गांव के जो चमार जलाते हैं ना, वो सिर्फ गांव के डोंगा ट्यू टावर से बस आते थे, वहाँ बाहर से स्थापना बना के पूजा पाठ करते सामने। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, अयोध्यापति राम राम, जानकी वर राम राम, कौशल्यात्मज राम राम। ये आप बगल में जो सुसेन वैद्य की समाधि देख रहे हैं, वो सुसेन वैद्य वही सुसेन वैद्य है जो लक्ष्मण जी जब मूर्छित पड़ते हैं तो उनको संजीवनी बूटी देते हैं। तो उनको डर था कि कहीं लंकापति रावण उसका वध न कर दे, इसलिए उन्होंने प्रभु से आश्रय मांगा। तो उस समय प्रभु श्री राम जी ने उन्हें आश्रय दिया अपने ननिहाल में, गाँव चंद्रखुरी में। आप जाकर वहाँ रहिए और अपना जो व्यवसाय है वो करिए कीजिए। उसी समय से ये सुसेन वैद्य जी का समाधि यहाँ स्थापित है। श्री राम जय श्री राम।